धर्मांतरण को लेकर दुर्ग शहर में एक बार फिर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने अपनी आपत्ति जताते हुए धर्मांतरण कराए जाने वाले पादरियों को घेर कर दुर्ग पुलिस के समक्ष अपना विरोध जताया है। धर्मांतरण को लेकर शहर में एक बार फिर पटरी पार क्षेत्र के आशा नगर में एक मकान में पादरियों द्वारा हिंदू धर्म के मानने वालों का धर्म परिवर्तन कराए जाने से आक्रोशित बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंच होने वाली प्रक्रिया का विरोध जताया। साथ ही हिंदू धर्म से जुड़े लोगों को देख वहां मौजूद पादरियों पर आक्रोश जताया। अरे भाई ना जी, सर्टिफिकेट कुछ हो सकता है इस दौरान आशा नगर में लगी भीड़ हुए बवाल के बाद घटना की जानकारी दुर्ग पुलिस को मिलते ही दोनों पक्षों को संबंधित थाना क्षेत्र मोहन नगर बुलाया गया, जिसके बाद मौके पर उपस्थित दुर्ग सीएसपी मणिशंकर चंद्रा ने दोनों पक्षों की बात सुन दोबारा इस तरह से कोई गलती नहीं होने की बात कहकर अपनी कार्रवाई की। जो प्रार्थना सभा है उसमें बजरंग दल द्वारा और विश्व हिंदू परिषद के लोगों के द्वारा ये आपत्ति दर्ज की गई कि बड़े मात्रा में हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों को इकट्ठा कर लिया गया है, जिस पर दोनों पक्षों को बुलाया गया, बातचीत की गई और इनको समझाया गया कि किसी भी जो अन्य धर्म से संबंधित लोगों को इकट्ठा नहीं करेंगे और अगर किसी अधिक मात्रा में भीड़ इकट्ठा करते हैं तो उसके लिए प्रशासन से बाकायदा सूचित करके उससे अनुमति प्राप्त करेंगे। आज जो पादरी लोग के कितने किस तरह की समझाइश दी गई है? उनको समझाया गया है कि अगर आप भीड़ इकट्ठा करते हैं तो उसके लिए प्रशासन से अनुमति की आवश्यकता पड़ती है, आप साउंड सिस्टम लगाते हैं उसके लिए प्रशासन की अनुमति की आवश्यकता पड़ती है, तो आप प्रॉपर अगर इस प्रकार की भीड़ इकट्ठा करते हैं जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न होने की स्थिति बन सकती है तो उसमें आपको शासन से अनुमति लेने की आवश्यकता है। वहीं लगातार इस तरह से हो रही घटना पर अपना विरोध जताते बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार दी। विगत 5 वर्षों से जब तक कांग्रेस की शासन और सरकार चल रही थी, धर्मांतरण के बड़े बड़े खेल हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ। बार बार प्रकरण लाया जाता है दुर्ग में कि कई बार कोटिया कुंद्रा में देखा गया कि हजारों लोगों की संख्या के द्वारा धर्मांतरण कराया जा रहा है और एक विशेष समुदाय के द्वारा टोटल हिंदू समाज को कैप्चर करके बहलाकर फुसलाकर उनको प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराते हैं। आज भी यही क्रिया हुआ, परसों से हमें मालूम था कि ये क्रिया होने वाला है, हम थोड़े से उसमें बैठे थे। आज जब हमने पहुंचा तो वहां देखा कि लगभग 200 से 250 लोग हैं और टोटल सब हिंदू समाज से हैं। कोई बेमेतरा से है, कोई उड़ीसा से है, कोई खरियार रोड से है, कोई बिलासपुर से है, तो ये प्रक्रिया समझ में नहीं आ रही है। और उनका नाम पूछने में वो सब अपना नाम कोई साहू बता रहा है, कोई निषाद बता रहा है, कोई केवट बता रहा है। तो हम सिर्फ यही मांग चाहते हैं कि ऐसा धर्मांतरण का खेल एक विशेष समुदाय बंद कर दे। अगर ऐसा खेल फिर से बार बार खेला जाता है तो ये बजरंग दल होने नहीं देगा, क्योंकि बार बार मना रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा विगत कोरोना काल में ये केवल भवन की स्थिति आप लोग देखे थे, क्या स्थिति थी केवल भवन में, क्या हुआ था, लेकिन उसके बाद भी बार बार ऐसी क्रियाएं होती है, धर्मांतरण का काला खेल खेला जाता है। बिल्कुल धर्मांतरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदू समाज को तोड़ने का काम जो एक कुछ दलाल लोग बैठे हैं वो कर रहे हैं, हिंदू समाज से ही निकले हुए कुछ दलाल हैं जो अपने आप को, अपनी मातृभूमि को, अपने माँ को, अपने बाप को बेच के ये क्रिया करते हैं। ऐसे लोग बिल्कुल सुधर जाएं। अभी भी जो फास्टर हो बोल रहा है उसका नाम उमेश दास है, उमेश दास एक हिंदू का नाम है। उसको जब कोई चीज चाहिए तो जाके वहां लगाता है ओबीसी में, उसको नौकरी चाहिए तो ओबीसी का काम लगाता है। जब तुम उस विशेष समुदाय के बन गए हो तो विशेष समुदाय का अपना जाति प्रमाण बनाओ। तो उनको जो छूट चाहिए सरकार से, प्रशासन से, उसके लिए जाति प्रमाण पत्र ओबीसी के लेंगे, ओबीसी की जाति प्रमाण में पूरी नौकरी करेंगे, पूरे काम करेंगे, और यहां धर्मांतरण दिखाने के लिए धर्मांतरण करेंगे तो मसीही समाज का बन जाएंगे। तो ऐसे चीज बिल्कुल बंद होना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरी ये कोशिश करेगा कि अब इस देश के अंदर धर्मांतरण नहीं होने दिया जाएगा, गौ तस्करी नहीं होने दिया जाएगा, लौज याद नहीं होने दिया जाएगा। तो धर्मांतरण का सबसे बड़ा खेल मसीही समाज जो खेल रहा है इसको बिल्कुल बंद कर दे। हमारा सरम्य निवेदन है कि ऐसे कार्य को बंद कर दे। नहीं बंद करेंगे तो बजरंग दल को बंद करने आता है विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल अपने हाथ में लेगी अगर प्रशासन इस चीज को नहीं लेता तो, और लेकर पूर्णतः रूप से इसे बंद कराएगा।
सभा की प्रार्थना सभा हुआ था वो वाला मामला संज्ञान में आया है, जिसमें बहुल मात्रा में हिंदुओं को बुलाया गया था, पूरे राज्य से, जिला से, दूसरे दूसरे जगह से बुलाया गया था। तो उस सभा में हिंदू ज़्यादा थे और पूरी तरीके से ये मामला ना धर्मांतरण का हमको लगा, इसलिए हमने शिकायत की और उनको पास्टर जो पादरी आए थे उनको उठाकर थाने लाए और सर से हम लोग ने, TI साहब से हम लोगों ने बात की कि इनके ऊपर कार्रवाई हो। तो ये कार्रवाई में दोनों पक्ष की बात होने के बाद ये सहमति बनी है कि आप जब भी इस तरह की सभा करेंगे, एक तो एक सभा कर रहे धर्मस्थल है नहीं, कलेक्टर से परमिशन है नहीं, अवैध रूप से प्रार्थना सभा करते हैं, तो सर का कहना है कि आप जब भी होगा आपकी सभा होगी तो आप तो सबसे पहले कलेक्टर से आप परमिशन लेंगे, उसके बाद सभा होगी उसमें 80% तक आपके समाज के रहे ना, दूसरे समाज के क्यों रहे, अब अपने क्रिश्चियन भाई बहनों को बुलाइए और सभा कीजिए, यहाँ 10 क्रिश्चियनों का चर्च है वहाँ क्यों नहीं सभा करते, आप गरीब बस्तियों में जाकर, झुग्गी झोपड़ियों में जाकर, निचले स्तर के लोगों को जाकर आप बरगलाते हैं कि आपका ये ठीक होगा वो ठीक होगा, खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, तो ये सब बंद होना चाहिए। और इस बार सर ने कहा कि 80% से ज़्यादा अगर वहाँ हिंदू, इनके धर्म के अलावा कोई हिंदू पाए गए तो इनके ऊपर कार्रवाई होगी, FIR होगी, सब होगा, आपको आने की जरूरत नहीं, आप वीडियो बनाकर डाल दीजिएगा कि ये बुलाने गए हैं हिंदू लोगों को, तो इनके ऊपर FIR होगी, कड़ी से कड़ी सजा होगी। जब तक इनके ऊपर FIR कड़ी सजा नहीं होगी ये नहीं रुकेंगे, एक मिशन पे निकलते हैं, यहाँ थाने में अगर मासूम बनते हैं, ये अभी से नहीं चल रहा, 5 साल से नहीं चल रहा, कईयों साल से चल रहा है, ये क्रिश्चियन लोग हमारे हिंदू धर्म में धर्मांतरण करते हैं, तो ये बंद होना चाहिए। जब बजरंग दल, हिंदूवादी संगठन और हर जो हिंदू धर्म से जुड़ा है आदमी इनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए तैयार है। विगत कई वर्षों से आसन नगर में ओबेलदास दास के द्वारा एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता है जो पूर्ण रूप से अवैध है, वो बिल्डिंग भी अवैध है, मुझे लगता है कि जिस लैंड पे वो सभा स्थल आयोजन कर रहे हैं गवर्नमेंट से किसी भी प्रकार का परमिशन नहीं लिया गया है, ना ही कलेक्टर साहब से, ना SDM साहब से किसी प्रकार का परमिशन नहीं लिया गया है। समय समय पर हम लोग कंप्लेन भी करते रह गए लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार का उसमें हस्तक्षेप ना करके इस चीज़ों को बढ़ावा दिया गया है। तो और सनातन धर्म में कभी नहीं सिखाया जाता है कि हम दूसरे धर्म के लोगों को तोड़कर अपने धर्म में सम्मिलित करें, तो मैं शासन प्रशासन से भी चाहूँगा हस्तक्षेप करके कि इस विवेचना करके उपयुक्त कार्यवाही किया जाए और जो भी दोषी है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही किया जाए। किस तरह से क्रिया की जाती है, क्या लाल ये निचले तबके के लोगों को प्रलोभन देके या पैसे का, पार्टी का, या तो फिर और किसी तबीयत खराब है इस टाइप से कोई प्रलोभन देके कृत्य किया जाता है, जिसमें हमारे जो निचले तबके के लोग हैं जिनके पास साधन संसाधन की कमी है निश्चित तौर पर प्रलोभन में आ जाते हैं और उनके प्रलोभन में आके उनके सभा स्थल में जाके अपना धर्मांतरण का काम को पूरा करते हैं। सनातन धर्म से भी कोई इनका सपोर्ट करता है? नहीं, सनातन धर्म से सपोर्ट नहीं करते, कुछ हमारे धर्म के जयचंद लोग जो हैं इनके धर्म के साथ सहभागिता करके सपोर्ट करते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।